हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम टुडे डिस्कस हेयर रेलवे साइकोलो टेस्ट। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक टेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि पहले ब्रिक टेस्ट होता क्या है, ये किस लिए आता है और कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले हम लोग आपको बता देना चाहेंगे कि जैसे इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आज से लेके 12 ईंटों से मिलकर बनता है ये सब प्रश्न, ठीक है ना। और इसमें कुल प्रश्न कितने होते हैं, जैसे आप फिर बता दें क्लियरली कि इसमें टोटल 50 प्रश्न होते हैं और 5 मिनट का समय दिया जाता है हम लोग को, और इसको हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। और आपको तो पता है कि 42% जो होता है वो कंपलसरी है सॉल्व नंबर लाना। और उसके बाद से देखते हैं तो किस टेस्ट नाम से जानते हैं, तो इसको जाना जाता है कि डेप्थ कंसंट्रेशन टेस्ट। तो हम लोग किसी चीज़ को गहराई से कितना देख सकते हैं उसके लिए टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें कुछ टिप्स होता है ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कुछ ना कुछ मतलब फंडा थोड़ा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं चाहिए तभी हम इजी से उसको निकाल पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसको ये हम लोग को मानना पड़ेगा जैसे इसमें जो भी ईटा दिया रहेगा ना वो सभी समान लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के होते हैं, ऐसा माना भी जाता है और ऐसा होता भी है। मतलब जैसे किसी का लंबाई दिखाया था तो किसी का चौड़ाई किसी का ऊंचाई, तो ऐसे लगता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, बट ऐसा होता नहीं है रियल में, वो सभी समान साइज का होता है, ठीक है। और इसमें जो केवल होता है क्या सरफेस का काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके सरफेस से जो है इससे टच कर रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे सरफेस का खाली काउंटिंग करेंगे। और इसमें जो होता है दूसरा बात कि इसमें कॉर्नर का काउंटिंग नहीं करते हैं, कॉर्नर के सटे हुए को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे दो ईटा जहाँ पर कॉर्नर मैच कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ना, ये देखिए ये कॉर्नर मैच करेगा ये वाला तो नहीं करेगा, और जब ऐसे सरफेस मतलब मैच करेगा तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन जहाँ पे दो ईंटों का कॉर्नर मैच करेगा वहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक। तो फिर आइए देखते हैं कि इसमें मतलब कैसे क्वेश्चन होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जाता है कितने ईंटे स्पर्श कर रहे हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले देखते हैं कि जैसे एक पहले एक क्यूब बना दिया, ठीक है, उसमें ईंटों को डिवाइड कर दिया। तो देखिए इसमें टोटल मिल के यहाँ पे 10 ईंटों से मिलकर वही क्यूब बना हुआ है। तो हमने आपसे पहले ही कहा है 8 से लेके 12 तक ईंटों का बीच का क्यूब का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें टोटल 10 क्यूब हैं, 10 ईंटे हैं, और इसमें भी टोटल 10 क्यूब ईंटे हैं। तो देखिए आइए एक करते हैं, हाँ तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मतलब जैसे कितने ईंटा स्पर्श कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में तो ये जो है कौन कौन से स्पर्श कर रहा है, तो ये देखिए एक बी से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और नीचे देखिए ये एच और जी से जे से स्पर्श कर रहा है 2, और फिर ऊपर देखेंगे तो आई से स्पर्श कर रहा है, एफ से स्पर्श कर रहा है और डी से स्पर्श कर रहा है, तो 3 टोटल मिल कितना है 6। तो ए कितने ईंटों से स्पर्श करेगा 6 से। इसी तरह देखते हैं हम लोग बी, तो बी का देखेंगे नीचे देखिए उसके लोअर साइड में तो कौन कौन सा जे से स्पर्श कर रहा है और एच से स्पर्श कर रहा है और डी से स्पर्श कर रहा है, 2 ईंटा हो गया। और फिर बगल में देखिए ए से स्पर्श कर रहा है पूरा यहाँ तक, फिर ऊपर देखिए आई एफ डी 3, तो कितना हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। तो बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं ये सी, तो सी को देखने क्या करेंगे, पहले सी को देखेंगे सी कहाँ, सी यहाँ है। अब इसके साइड में देखिए कितना एक स्पर्श कर रहा है ई, और इसके ऊपर स्पर्श कर रहा है जे और एच, ये और ये, तो दो कितना हो जाएगा 3, तो 3 ईटा स्पर्श करेगा यहाँ पे। अब इसी तरह देखते हैं कि डी कहाँ पे है, तो डी है यहाँ, तो फिर देखेंगे कौन कौन सा स्पर्श कर रहा है। तो देखिए डी तो एक ए से स्पर्श करेगा एक बी से स्पर्श करेगा, तो 2 ईटा हो जाएगा। और फिर उसके साइड में देखिए डी तो एक एफ हो जाएगा, और फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ केवल जी हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएंगे 4 ईटा स्पर्श करेगा। और फिर देखिए इसी तरह देखते हम लोग ई को, तो ई यहाँ पे है तो उसके साइड में कौन सा है सी है, एक ईटा सी हो जाएगा। और फिर ऊपर देखेंगे तो एच और जे स्पर्श करेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 ईटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसी तरह बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखिए ए किससे किससे स्पर्श कर रहा, तो ए को देखिए तो ए क्या हुआ है ऐसे पूरा सीधे क्या हुआ है ना, तो ये पहले देखते हैं लोअर में तो 2 से स्पर्श करेगा जी और एच से, ठीक है। और फिर इसके साइड में देखिए तो एक यहाँ जे से स्पर्श करेगा और जी से स्पर्श करेगा 2, और ए के ऊपर देखेंगे तो क्या स्पर्श करेगा जे और बी भी तो स्पर्श करेगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसके ऊपर एफ हो जाएगा, तो यहाँ टोटल 6 हो जाएगा, 6 ईटा स्पर्श करेगा। अब इसी तरह देखते हैं बी को,
बी को इसके साथ एक जे के साथ स्पर्श करेगा और एक आई के साथ स्पर्श करेगा और फिर यहाँ पे देखिए दो जे स्पर्श करेगा और एक यच, टोटल कितने हो जाएंगे, एक तो आई हो जाएगा और एक यच हो जाएगा और फिर उसके बगल में देखिए यहाँ पे दो ईटा, ठीक है बी, और फिर एक ईटा जे वाला जे, ट्रिगन कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पांच। और फिर बात करते हैं सी का, तो सी देखिए सी से एक आई मैच कर रहा है, एक ई हो जाएगा और एक सी हो जाएगा, जे हो जाएगा, सी के साथ कौन सा, एक जे हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, एक ई हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री। और बात करते हैं डी का, तो डी यहाँ पे है, तो डी के साथ एक एफ मैच करेगा और एक जी मैच करेगा, तो यहाँ टू हो जाएगा। और फिर बात करते हैं ई का, तो ई का बात करते हैं, तो ई तो एक इसके साथ मतलब सी के साथ भी टच करेगा, जे के साथ भी टच करेगा और ए के साथ भी टच करेगा और जी के साथ भी टच करेगा, तो एक दो तीन चार और एक एच के साथ टच करेगा, तो कितना हो जाएगा, पाँच। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग मतलब जिक्स टेस्ट का सॉल्व करेंगे, कितने ईटे स्पर्श कर रहे हैं, तो इस तरह हम लोग का पांच क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन में कितने पांच रह रहे हैं क्वेश्चन एक एक प्लस एक क्यूब में, तो इसी तरह हम लोग कितने देंगे, ठीक है हम लोग कितने देंगे सर, दस क्वेश्चन देंगे, दस क्यूब देंगे, इसको पाँच इंटू दस इक्वल टू 50 हो जाएगा और 5 मिनट हम लोग को समय दिया जाए। तो हम सोचें कि चलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों को, उसके बाद से अपना ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारा प्रैक्टिस पे निर्भर है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो, और हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा और क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, और उसके बाद से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।